लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जनाब आली, मैं मानता हूं कि डॉक्टर आशा माथुर की नजर थोड़ी कमजोर है, लेकिन मुझे यकीन होता जा रहा है कि अब वकील सफाई की नजर भी कुछ कमजोर है। अगर वो इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़े और देखे तो वो जान लेंगे कि डॉक्टर आशा माथुर की नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की नहीं। और 22 गज काफी दूर होते हैं, ये खुद वकील सफाई कह चुके हैं। अरुण वर्मा, योर ऑनर, जनाब डिफेंस काउंसिल खूनी और इंसाफ के बीच में ज्यादा से ज्यादा फासला लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि प्रोसिक्यूशन के पास एक ऐसा गवाह है जिसने 22 गज तो क्या खूनी को 22 इंच से भी नजदीक से देखा है। यस माय लॉर्ड, ये लड़का, यही लड़का दीवार पे चढ़ के भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन यह भाग निकलने में कामयाब हो गया। मैंने इसे बहुत करीब से देखा माय लॉर्ड, और मुझे किसी किस्म का धोखा हो सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर माथुर, जब खूनी वहां से भाग गया उसके बाद आपने क्या किया? मैं उस जगह पे वापस लौटा जहां पे लाश पड़ी थी। जाहिर है कि पुलिस के आने तक आप लाश के पास ही थे और आपने लाश को हाथ तक नहीं लगाया? जी नहीं, हाँ मैंने लाश को कोट से जरूर ढक दिया था। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट, आप कोट अपने घर के अंदर से लेकर आए थे क्या? जी नहीं, मैंने अपने कोट से ढका लाश को। ओह आई सी, तो उस रात आप कोट पहने हुए थे? जी हाँ बिल्कुल, यकीनन मैंने कोट पहना हुआ था। यानी कि आप कोट और पैंट दोनों पहने? बिना पैंट के मैं कोट नहीं पहना करता। तो आप कोट भी पहने हुए थे उस रात? व्हाट इज दिस, बार बार वही पूछे जा रहे हैं। कोट पहना हुआ था, 100 बार कह चुका हूं। आप फिर सॉरी टू हैव बॉदर्ड यू डॉक्टर, आई एम सॉरी। आपकी बीवी ने अपने बयान में कहा है कि जब खूनी उनके सामने था तो आप नहीं थे, और जैसे ही आप आए तब तक खूनी भाग चुका था। यानी आपकी बीवी ने आपको और खूनी को एक साथ उस मुकाम पर नहीं देखा, क्या ये सही है? हाँ ये सही है, इट्स करेक्ट, करेक्ट। और आपकी बीवी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि खूनी ने उस रात कोट पहना हुआ था। ये बार बार कोट कोट, अब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर माथुर कि यह भी तो हो सकता है कि गैरेज में गाड़ी पार्क करने के बाद आप अपनी पत्नी की बजाय सीधे वहां पहुंचे जहां इंदु गुप्ता आपका इंतजार कर रही थी। हो सकता है कि इंदु गुप्ता के साथ आपके कुछ नाजायज ताल्लुकात रहे हों और आज वो आपके घर पहुंच गई आपको ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर आपने उसकी मुंह मांगी रकम ना दी तो वो सारी बातें आपकी बीवी को बता देगी। आप मारे गुस्से के आग बबूला हो गए और उसी गुस्से में आकर आपने इंदु गुप्ता का खून कर दिया। इससे पहले कि आप कुछ सोच सकें, आपने देखा कि आपकी पत्नी गेट के पास पहुंच गई है। आंखों की कमजोरी, 22 गज का फासला और रात का अंधेरा, आपकी बीवी शायद आपको ठीक तरह से पहचान नहीं पाई। उसने सिर्फ कोट और पैंट में आपको दूर से देखा, वो चीख पड़ी। मारे घबराहट के आपका पहला रिएक्शन यह हुआ कि आप गार्डन की तरफ भागे, लेकिन दूसरे ही लम्हे आपको ख्याल आया कि शायद आपकी बीवी ने आपको ठीक तरह से पहचाना नहीं। आप चक्कर लगाकर गैराज की तरफ से बीवी की तरफ आए और अपनी बीवी को धोखा देने के लिए दोबारा उसी तरफ भागे जिस तरफ बीवी ने खूनी को भागते हुए देखा था। स्टॉप इट! एक मिनट के बाद आप फिर वापस लौटे और अपनी बीवी को यकीन दिलाया कि खूनी भाग निकला है। क्योंकि आपके कोट के ऊपर इंदु गुप्ता के खून के निशान थे, इसलिए आपने बड़ी चालाकी से वो कोट उतारकर इंदु गुप्ता की लाश के ऊपर डाल दिया। बाद में लोगों ने समझा कि शायद वो कोट के ऊपर निशान इंदु गुप्ता की लाश के ही हो। बकवास है, नॉनसेंस! क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस लड़की का खून मैंने किया था? मैं ये कहना नहीं चाहता, बल्कि मैं ये साबित करने वाला हूं कि ये खून आपने ही किया था। What is this? This is that, and that is possible, Dr. Mathur. My Lord, इस कहानी में कमजोरी। अगर इंदु गुप्ता का खून वाकई डॉक्टर माथुर ने किया होता तो पुलिस को फोन ही क्यों करते? और अगर विक्रम डॉक्टर माथुर के घर गया नहीं था तो वो फोन करके ये कैसे बता सकते थे कि मिस्टर विक्रम उन्हें अशोका रोड पर मिलेगा और वो भी अपने सफेद जीप में? ये तो कोई खास बात नहीं है योर ऑनर। अशोका रोड विक्रम ठकराल के घर का रास्ता है, वो कई बार वहां से गुजरता है और उसी सफेद जीप में आता जाता है। खास बात तो यह है कि जब पुलिस ने विक्रम ठकराल को गिरफ्तार किया, ना तो वो कोट पहने हुए था, ना ही कोई चाकू उसके पास से बरामद हुआ और ना ही उसके बदन पर कोई खून के दाग थे। 20 मिनट के अरसे में
खून के दाग मिटाए भी जा सकते हैं, चाकू या कोट कहीं फेंके भी जा सकते हैं, कहीं छिपाए भी जा सकते हैं। मैं ये फिर कहता हूं योर ऑनर कि 16 जुलाई की रात विक्रम ठकराल ना तो कोट पहने हुए था और ना ही उसके पास कोई चाकू था। मैं अदालत को और खास तौर से वकील सफाई को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, विक्रम ठकराल का छुपाया हुआ कोट और ये चाकू मिल चुका है। विक्रम के गुनाह सबूत बनकर अदालत के सामने मौजूद है। यह है वो चाकू जिसकी जबान ने इंदु गुप्ता के जख्मों का खून पिया। इस चाकू के दस्ते पर विक्रम की उंगलियों के निशान की सूरत में विक्रम के जुर्मों की दास्तान आज भी लिखी होगी, और जो जुर्म की दास्तान ये चाकू नहीं सुना सकता ये कोर्ट पूरा कर देगी। जो चुप रहेगी जबाने खंजर लहू पुकारेगा हाशनी का। इंसाफ के लिए फरियाद कर रहे हैं। विक्रम का ये कोर्ट अपने रोए रोए से विक्रम के जुर्म का इकरार करता है। मैं अदालत के सामने इंदु गुप्ता की जबान बनके इंसाफ को आवाज देता हूं कि विक्रम ठकराल के गुनाहों का सबूत ये झूठ है, ये सच है। ये मेरा कोर्ट नहीं जज साहब, मैं कहता हूं ये तुम्हारा कोर्ट है। मिलोर्ड, ये कोर्ट विक्रम का नहीं है। योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह कोर्ट विक्रम का ही है। और मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस रंग का कोर्ट कभी मेरे पास था ही नहीं। तो फिर किस रंग का था? उसका कोर्ट सफेद रंग का था। Shit! Thank you very much. Your Honor, कुछ ही देर पहले इन्होंने कहा था कि विक्रम ने कोर्ट पहना ही नहीं था। माय लॉर्ड, मिस्टर ठकराल ने ठीक ही कहा था, ये कोट और ये चाकू विक्रम का नहीं है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि उस रात विक्रम ने सफेद रंग का कोट पहना था। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रोसिक्यूशन को कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो कोट और चाकू तलाश कर सके। अदालत प्रोसिक्यूशन को 3 दिन का वक्त देती है और उसी के साथ आज की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। कमाल कर दियो। सगाराम जी साहब, बाहर का दरवाजा बंद कर दो। बरा साहब। सिगरेट? नो थैंक्स। चीयर्स। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम पर इतना मेहरबान क्यों? उसकी दो वजह। एक तो तुम्हारे डैडी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग एक दूसरे के काम में आए, दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। और दूसरी, तुम्हारे खिलाफ जो वकील है ना, अरुण वर्मा, उसकी और मेरी पुरानी खुनस है। उस साले ने 2 केस क्या जीत लिए, वो समझता है हम पुलिस वाले उसका गुलाम है। नॉनसेंस। सुनिए, यहां आइए। बोलो। आज शाम होने से पहले 50,000 कमाना चाहेंगे आप? 50,000? वो कैसे? मुझे 1 घंटे के लिए छोड़ना होगा। घबराइए मत, पैसे पहले मिलेंगे, छोड़िएगा बाद में। ये लो 50,000। देर तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन 1 घंटे का मतलब 1 घंटा। मुझ पर विश्वास रखिए इंस्पेक्टर। कम तो नहीं। थैंक्स यार टोनी, तुम नहीं आते तो ये कोट और चाकू मुझे फांसी के तख्ते पहुंचा देते। डोंट वरी विक्की, मैं इन सारे सबूतों को खत्म कर दूंगा। और ये इंदु की चिट्ठियां भी चला देना। ओके ओके, अब जल्दी करो। थैंक्स यार। गुड इवनिंग। पुलिस स्टेशन वाले खुद आपको लेने आए हैं हुजूर। चलिए, आपके लिए गाड़ी ये नहीं वो। वाह वाह, हमें आपके पिताजी ठकराल साहब को यह समझाना है कि हमारा पुलिस स्टेशन ईमान खरीदने और बेचने की दुकान नहीं,
ये रही पुलिस, वो रहा कानून, ये रहे आप सबूत के साथ। चला गाड़ी। चाकू इंस्पेक्टर, तेजाब में एक मिनट में गल जाएंगे। मैंने अपना काम कर दिया इंस्पेक्टर, अब तुम अपना काम करो।